जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माध्यमिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारी शादी की लगने भी अभी है और बहुत जगहों पे लोग शादी ब्याह का माहौल भी देखा जा रहा है। तो इस वजह से जो हो रही है कि रात के वक्त जो एक टाइम बाउंड है डीजे बजाने का 10 बजे तक, उसके पार भी लोग कहीं कहीं पर गाजे बाजे बजा रहे हैं, डीजे बज रही है। बहुत सारी जो भी परीक्षा दे रहे हैं, जो भी विद्यार्थी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम निकले हुए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, जो पेरेंट्स उनसे बातचीत करेंगे कि इस बीच उन्हें क्या कुछ समस्या हो रही है और स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि उनको पढ़ने लिखने में क्या दिक्कत हो रही है और नहीं हो रही है। मैं पढ़ते पढ़ते से ना मैंने घरे मेके दिए घरे दरजा जाना सब बंद कर दीते लगे तपर मे पढ़ते बसते दीते हैं 11টা 12টাও হয় আর তো পাশের বাড়ি আছে ওই বাড়িতে সব মানে প্রতিদিন মানে ঝগড়াঝাটি তো চলছেই ওটা নিয়ে তো কিছু বলাই যায় না, ওটা বলতে গেলে অশান্তি বলবে আমাদের বাড়িতে হচ্ছে তোমাদের কি অসুবিধা, ওদের পড়াশোনাটা ভালো হবে ওদের কানে আওয়াজটা আসছে তা ওদের পড়া মানে ওদের মনটা তো ওদিকে চলে যাচ্ছে না, ওরা তো এখন একটা মানে 15 বছরের মেয়ে তাই না, ওদের মনটা একটু বাইরে মানে যেতেই পারে, ওই জন্য হচ্ছে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে দিই। তবু মেয়ে 12টা কালকে একটা একটা দিকে ঘুমাচ্ছে ও যাতে মানে মানে 11-10টার দিকেই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ভালো হয় বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে, এটাই বলবো। তার জন্য একটু হচ্ছে আমাদের তাও জানাইছি ওরা কোনো বলে না, আমারটা বললাম কয়দিন পরীক্ষার সময় বাজাবা না এগুলো এটা পরে বাজাও, কয়েছে না বিয়ের সময় হচ্ছে বাজাবো, বলছে তার একটু বাজাটা লাস্টে সন্ধ্যে বাজাও পড়ার ডিস্টার্ব হচ্ছে সকালবেলা সাত সকালবেলা উঠে তোমার ওই যে বাজাচ্ছ এগুলা এর ডিস্টার্ব হচ্ছে আমরা এই জন্য আমি পঞ্চায়েতকে জানাচ্ছি পঞ্চায়েত কোনো আর রাতের 10টা থাকে রাতে 1টা পর্যন্ত, সকালবেলা ভোর 5টা থাকে 7টা পর্যন্ত পরে যে বলবো এই যে বাচ্চাটা না বলুক এটাই বাচ্চাদের পড়াশোনা ডিস্টার্ব হচ্ছে এটাই মোরা হয় বোম পটকা ফুটাতে হ্যাঁ ডিজে বাজাতে হ্যাঁ বাচ্চাকে বহুত অসুবিধা হতে হয় পড়নে মে মাঝে হতে হয় ফের বন্ধ হ্যাঁ লিখে যে 9টা সাড়ে 9টা পর্যন্ত ঠিক আছে, এরপরে হলে পরে খুব মুশকিল হয় পড়াশোনা, অসুস্থ মানুষ যারা থাকে বুক ধরপড় করে তাদের অনেক রকম প্রবলেম বলে তারা, ওই রাত 8-10 বাজে তক বাজাতে হ্যাঁ স্লিপ পড়নে মে মন নেই পড়তা হ্যাঁ ও ক্যা বলো উসকো কিসে প্রায় নেই কর সকতা হ্যাঁ সাউন্ড বগেরা আতি হ্যাঁ ইসলিয়ে বহুত তকলিফ হতি হ্যাঁ পড়নে মে और सामने एग्जाम भी है फाइनल का, इतने 10 साल यानी क्लास के जी छः टेन क्या बोलता है इसको माध्यमिक दे रही है, ये दिक्कत हो रही है 10 साल का पढ़ाई जो किया है इस ये फाइनल में होगा इसलिए टेंशन होती है गार्जियन को, इसलिए हम लोग को उधर होती है तो प्रॉब्लम तो बोलती है जे ठीक ये आराम से बजाओ 10 बजे तक बजाओ ये हम लोग बोलते हैं, लोग आती तो आती नहीं रे फोन करती है नहीं आ रही है ऐसे ही आती तो अच्छे डीजे वगैरह से तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि साउंड के अलावा मैंने इतना ज़्यादा साउंड होता है कि पढ़ने के तो सोच भी नहीं सकते, इतना साउंड के दिमाग में तो कुछ आता नहीं है और बोलेंगे तो क्या कोई भी नहीं सुनता है, 10 बजे तक है तो ठीक है फिर 11-12 बजे तक साउंड होता रहता है, पढ़ाई नहीं होता, घूम सोना नहीं पड़ता है, सुबह उठने के लिए लेट हो जाता है, बहुत तकलीफें होता है, तो हम बोलना चाहेंगे जे एग्ज़ाम के कुछ दिनों के लिए तो साउंड वगैरह थोड़ा सा कम होना चाहिए तो समझ में, तो हमारा भी सुविधा है जो एग्ज़ाम दे रही है उसके भी सुविधा है क्योंकि उसको भी बहुत तकलीफ़ होता है, घूम ज़्यादा नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। हाकिमपाड़ा बालिका विद्यालय है प्रॉब्लम तो अनेक होती पढ़ने से डिस्टर्ब होती और বাজনাগুলোতে আমাদের পড়াশোনায় মন ভেঙে যাচ্ছে, অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে আমরা, এর জন্য বাজনা যাতে বন্ধ করতে হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সরকারের ভালো করে। मैं सिलीगुड़ी सिमंगल स्कूल से हूँ, मेरा पेपर आज का बहुत ही अच्छा गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि इस सीज़न में शादी भी होता है और हम लोग का एग्ज़ाम भी इसी सीज़न में होता है तो हम लोग को समस्या तो होती है, मगर मैं जैसे अपना रूम को पूरी तरह से लॉक कर देता हूँ ठीक है, और अगर मेरे घर के आसपास शादी होता है तो मैं दूसरे अपने दोस्तों के घर में जाके पढ़ता हूँ, तो अगर आदमी डीजे का कम साउंड में बजाए या फिर डीजे ऑर्गेनाइज ना करके कुछ और करे तो हम लोगों को पढ़ाई में सुविधा होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए एक लिमिटेड टाइम रखा जाए कि रात को अगर जल्दी डीजे बंद कर दिया जाए तो हम लोग रात को भी पढ़ पाए, इस वगैरह में सुना तो डिस्टर्ब है
সেটা প্রবলেম হলে সেটা আমাদের জানাতে হবে। আগে থেকে জানিয়ে দিই তো যে এখানে এক্সাম আছে, হ্যাঁ শব্দ দূষণ চলবে না, বাজনা টাজনা দেব সেটা আর কি, যেন না শব্দ দূষণ ডিজে টিজে না বাজে, হ্যাঁ এক্সাম আছে। প্রবলেম তো হতা হে ডিজে বাজতা তো বাচ্চা কো প্রবলেম তো যে নেই মানতা হে বাজাতা হে মজা করতা হে কেউ বলনা নেই আতা হে বাজাতা হে তো কেসি কো একসাথে আনা পড়ে আনা চাইয়ে और सब লোক একসাথে আইয়ে আই এক বন করনা চাইয়ে बंद करना चाहिए। हमने पेरेंट्स से बातचीत की, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत की। उन सभी का कहना है कि अभी शादियों का सीज़न है तो बेशक गाजे बाजे और डीजे वगैरह तो बजेंगे ही, और इससे जो है उनको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी नुकसान भी हो रहा है हम कह सकते हैं। और उनको जो पढ़ने के समय है रात को जब वो पढ़ते हैं या फिर कोई बच्चे जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन को उन्होंने यही मैसेज दिया है कि अगर इस डीजे को या फिर जो भी म्यूजिक सिस्टम है जिससे साउंड पोल्यूशन हो रहा है उसको अगर एक समय निर्धारित कर दिया जाए, जैसे कि 10 बजे तक ही बजना चाहिए, उसके पहले अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा जो भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए। तो यही हम सभी अनुरोध करेंगे कि प्रशासन से कि जिस तरीके से या फिर जो लोग शादी ब्याह के माहौल में बिजी हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप एक समय तक ही बजाएं जिससे दूसरों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चे ही हमारे फ्यूचर हैं, बच्चे ही हमारे भविष्य है, आगे देश को वही बढ़ाएंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आप एक समय निर्धारित समय पर ही अपना बजाएं डीजे वगैरह और इंजॉय कीजिए। सेलिब्रेशन पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं लेकिन दूसरों को भी इससे कोई नुकसान ना पहुंचे यही कहेंगे। सिलीगुड़ी से तन्मय चक्रवर्ती के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे, फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd mile सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs. Games indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School. 7797965318 9743155003। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे, फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी। के तपाईं एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घण्टा न्यूज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड,
सम्बर्द्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774।